ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव जयंती पे जो हम लोग मनाते शिव बाबा सब बैठे हुए, सबसे पहले अपना शुभ भावनाम को दे दे और भाई साहब के लिए विशेष ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। ओम शांति। महाशिवरात्रि भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। दुनिया में जिस किसी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे उसका जन्म रात में हुआ हो या दिन में हुआ, लेकिन उसे जन्मदिन ही कहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता, जो हम सर्व आत्माओं का परम पिता है, उस पिता के जन्म को हम अवतरण कहेंगे, जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य आत्माओं के जन्म को जन्मदिन कहते हैं, परमात्मा के अवतरण को जन्म महोत्सव महाशिवरात्रि के रूप में उसका गायन करते हैं। महाशिवरात्रि मानस सारे संसार में प्रकाश फैलाने वाली रात्रि, ऐसी रात्रि जिसका शुभ प्रभात होता है और दिन जो है स्वर्णिम दिन कहलाता है और युग भी स्वर्णिम युग कहलाता है। मानव से देवता बनने की सृष्टि होती है, तो ऐसा महान कार्य करने के लिए परम पिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। वैसे तो परमात्मा शिव, जो कि स्वयंभू है, स्वयंभू अर्थात जिनके अपने को, लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्वयंभू अर्थात जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, निराकार साकार रूप और अजन्मा जिनका जन्मोत्सव होता है, विरोधाभास होते हुए भी क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि परमात्मा पिता हम सर्व आत्माओं का परम पिता है। उस सृष्टि पर आकर के हम सर्व आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा उस रात्रि को जागरण में परिवर्तित करता है। हर मानव के अंदर जो अंधकार है उसको प्रकाशमय बनाता है। दिव्य प्रकाश के आधार पर ही सारी सृष्टि भी प्रकाशमय हो जाती है। शिव पिता को क्योंकि सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, उसको सारे ही धर्म वालों ने अपने पिता के रूप में ही स्वीकार किया है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, उन्होंने भी गॉड इज लाइट कहा है, और चर्च में भी वो मोमबत्ती जला करके और उससे कंसंट्रेट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंगम का विशेष महत्व है। हर जगह उनकी पूजा की जाती है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है और मोहम्मडंस में देखते हैं कि उसको संगे अश्वद कहते हैं।
जो संगे अश्वद नाम से जाना जाता है, इस संगे अश्वद को ही वो चूमते हैं, किस करते हैं। और उनकी परंपराएं सब भारतीय परंपराएं, वहाँ पहली मस्जिद है जिसके कि 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियों के चक्कर लगाए जाते हैं। दूसरा, वहाँ का जो मौलवी होता है वो बिना सिले हुए कपड़े पहनता है, जैसा कि भारतवर्ष की परंपरा है। यहाँ पर भी जो है पंडित जो है वो बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से ये मान्यता, प्राचीन मान्यता सब भारतीय मान्यताएं हैं, यानी भारत में ही इसका प्रादुर्भाव होता है। शिवलिंग के ऊपर देखते हैं कि हम 3 पत्र के बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो प्रकृति ने भी शिव को प्रत्यक्ष किया कि शिव त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, रचयिता होने के कारण। एक विशेष बात है कि ब्रह्मा को आप देखते हैं कि वो हमेशा जो है वृद्ध रूप में ही रह जाता है। जब इनका जन्म होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के रचयिता शिव हैं, तो इनका बचपन नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव का प्रवेश होता है, तो वो प्रवेश वृद्धावस्था 60 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, जिसके कारण ही पहले तो ब्रह्मा नहीं था, बचपन में तो वो साधारण दादा लेखराज कहलाता था, लेकिन जब शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया तो वही मानव ब्रह्मा कहलाया और उसी के द्वारा सृष्टि का की रचना की। वास्तव में देखा जाए कि संगम युग पर ही जो हम परमात्मा को कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें, तो ब्रह्मा हमारी माँ इसी समय संगम पर बनती है। परमात्मा को जो तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें कहते हैं, तो वैसे तो वो आत्माओं का पिता है, सर्वधर्म का पिता है, लेकिन माँ कहाँ है? तो माँ, यही ब्रह्मा जो है हम सबकी माँ कहलाती है, उसका नाम ही रखा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द में ही माँ शब्द छिपा हुआ है, ब्रह्मा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव के ऊपर जो है क्या क्या चढ़ाया जाता है। सारे देवी देवताओं के ऊपर तो फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के ऊपर, शिव के ऊपर अक धतूरा चढ़ाते हैं, जो कि विष के प्रतीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मनुष्य आत्माओं के अंदर विकारों का विष है, उस विष का पीने वाला कौन हो सकता है? कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता है, वो परमात्मा पिता में ही वो शक्ति है जो सर्व के विष को वो पी लेता है और सारे मानव को वो जागृत करके पतिस से पावन बनाता है। पतिस से पावन बनाना ही उसका मुख्य कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिव के ऊपर जो है एक घड़ा लगा करके और उसे पानी की बूंद जो है वो गिरती है, शिव को बराबर स्पर्श करती है। इस बात का प्रतीक है कि हमारे बुद्धि में जो ज्ञान का संचय है, उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा पिता से निरंतर संपर्क और संबंध रखते हैं। इस संबंध और संपर्क रखने से, लगन मगन रहने से ही मनुष्य की सदगति होती है। वो हम सब का पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसके वारिस बच्चे होते हैं। सृष्टि पर सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, इसलिए महादेव कहलाता है, हम सर्व आत्माओं का परम पिता कहलाता है। तो ऐसे पिता की जयंती ही महाशिवरात्रि कहलाती है।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब ने विश्व बंधुत्व का जो भावना है, महाशिवरात्रि का जो वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है कि सर्व आत्माओं के पिता, जिनको सभी धर्मों में प्रकाश के रूप में, निराकर रूप में मानते हैं, तो उनकी शिव जयंती पे आपका जो शुभ भावना के साथ ईश्वरीय ज्ञान का भी आप हम सबको सामने रखें,